नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैंने चर्चा के लिए कुंडली का द्वादश भाव यानी 12th हाउस ऑफ द चार्ट चुना है। जो यात्रा शुरू हुई थी लग्न से, वह एक एक करके सभी भावों से गुजरती हुई आज आ पहुंची है अपने अंतिम पड़ाव यानी 12th हाउस पर। मित्रों, बारहवां भाव अंतिम भाव है, जिसे लोग व्यय भाव भी कहते हैं। यह भाव अन्य भी कई बातों के लिए जाना जाता है, हम चर्चा करेंगे इस पर। बारहवें भाव की गिनती मोक्ष त्रिकोण में भी होती है। वैसे तो हर भाव का बारहवां भाव उसका व्यय या मोक्ष ही होता है, लेकिन कुंडली का ये बारहवां भाव लग्न का बारहवां होने से अशुभ भावों यानी 6, 8, 12 में शामिल किया जाता है। वैसे देखें तो शुभ और अशुभ कुछ भी नहीं, प्रत्येक भाव में शुभता अशुभता दोनों ही छुपी होती हैं। जातक की जीवन यात्रा लग्न से शुरू होती है और समाप्त होती है आकर बारहवें भाव में। मित्रों, द्वादश भाव यदि व्यय और हानि का भाव है तो ये आध्यात्मिकता का भी भाव है। मोक्ष, जिसे परम लक्ष्य माना जाता है, उसका भी भाव है। बारहवें भाव के जो कारकत्व हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहले तो बारहवां भाव व्यय मोक्ष नुकसान या हानि के साथ साथ शयन सुख का भी है। ये भाव बाईं आँख, दैवीय आपदा, मानसिक दिक्कतें, एक्सीडेंट, अस्पताल, जीवन साथी के रोग, राजकीय दंड, जेल या कारावास या फिर बंधन आदि का प्रतिनिधित्व करता है। 12th हाउस निद्रा व स्वप्न से, दुख और संकट से भी संबंधित होता है। ये भाव विदेश यात्रा, सुदूर क्षेत्रों की यात्रा व हवाई यात्रा के लिए भी जाना जाता है। ये भाव खर्च का है, इससे पता चलता है कि व्यक्ति का खर्च किस तरह के कार्यों में होगा, शुभ कार्यों में या फिर अशुभ कार्यों में। काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में मीन राशि आती है और गुरु इस राशि के स्वामी होते हैं। बारहवें भाव का संबंध बाईं आँख के साथ साथ पैरों से भी होता है। ये भाव पृथकता को दर्शाता है यानी सेपरेशन को। ये पृथकता कई प्रकार से हो सकती है, स्थान परिवर्तन से या सुदूर क्षेत्रों में जा बसने से भी पृथकता हो सकती है। संबंधों में पृथकता, धन संपत्ति से पृथकता, यहाँ तक कि शरीर से आत्मा की पृथकता। ये भाव हॉस्पिटल का भी है और जेल का भी। कुंडली के बारहवें भाव से धोखाधड़ी और ब्लैक मेलिंग जैसी बातें भी देखी जाती हैं। ये भाव गुप्त व एकांतवास भी बताता है। बारहवें भाव को अन्य भावों से जोड़कर देखें तो जीवन साथी के लिए ये रोग शत्रु ऋण का स्थान हुआ, तो माता का भाग्य स्थान है ये। बड़े भाई बहनों की धन संपत्ति का भाव, तो फिर पिता के लिए ये भाव सुख का भाव है। ये भाव जातक को आध्यात्मिक जगत से जोड़ता है और माया जगत से छुटकारा दिलाता है। ये भाव काम काज के सिलसिले में की जाने वाली यात्रा के विषय में भी बताता है। ये भाव निवेश के लिए भी जाना जाता है। ये संतान के लिए, उनके सुख दुख, आयु के लिए भी जाना जाता है। लग्न जीवन का मित्रों आरंभ है, तो फिर बारहवां भाव जीवन की समाप्ति को बताता है। ये भाव लग्न की जीवनी शक्ति या ऊर्जा का व्यय भाव है। ये भाव हर प्रकार के व्यय को बताता है, चाहे वह जीवन का व्यय हो, धन यश प्रसिद्धि संपत्ति का व्यय हो। इसलिए 12th हाउस लॉर्ड का 6, 8, 12 के अलावा और कहीं स्थित होना अच्छा नहीं माना जाता। न ही 6, 8, 12 को छोड़कर किसी भावेश का 12th हाउस में बैठना अच्छा होता है। दरअसल 12th हाउस लॉर्ड का जो प्रभाव होता है वह सेपरेटिव होता है। 12th हाउस का बलि होना त्याग, संन्यास और पारलौकिक विद्या को भी पुष्ट करता है।
इस भाव में शुक्र का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। केतु की स्थिति भी यहाँ मोक्षकारी मानी जाती है। 12th हाउस और 12th हाउस लॉर्ड पर शुभ प्रभाव शैया सुख देता है। व्यक्ति को अच्छी नींद आती है, जबकि पाप ग्रहों का प्रभाव पड़े तो अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न होती है, बुरे सपने भी आते हैं। तब शनि को द्वादश भाव का कारक माना गया है। तो मित्रों, आशा है कि हमारी इस चर्चा से आपको 12th हाउस के संबंध में अच्छी जानकारी मिल गई होगी, ज्ञानार्जन हुआ होगा आपका। अब हम एक एक करके सभी ग्रहों की इस भाव में स्थिति के प्रभाव बतलाएंगे, लेकिन अभी अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। कल फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सभी को जय सियाराम, नमस्कार।